आज हम बनाने जा रहे हैं रेस्टोरेंट स्टाइल टोमेटो सूप। उसमें लगने वाले 6-7 टमाटर लिए, उसको अच्छे से धो के फिर इस तरह छोटे कटिंग किए हैं और एक कढ़ाई में तेल और घी लिया है। फिर उनको गर्म होने के बाद इसे थोड़ी देर पकाना है। ढक्कन देके इस तरह से इसे 10 मिनट तक पकाया है, इस तरह से पकाना है। फिर इसे थोड़ी देर ठंडा होने दे, उसमें एक गिलास पानी ऐड करेंगे। थोड़ी देर इसे ठंडा होने दे, फिर हम पीसेंगे। इसे मिक्सी में डाल के पीस के छन्नी से छान ले। अगर आपको ज्यादा ये बड़े बड़े पीसेस लगे तो एक बार वापस से मिक्सी में अब इसे अच्छे से छान ले। छानने के बाद इस तरह से ये भूसा निकलेगा, उसे फेंक दे। तड़का लगाएगी, इसमें घी या बटर आप ले सकते हैं, बटर लेगी तो ज्यादा अच्छा लगता है। इसे अच्छे से पहले गर्म होने दे, घी को गर्म हो जाए तब उसमें 1 चम्मच जितना ब्लैक पेपर डाले और फिर इसे सूप में मिला ले। फिर इसमें टेस्ट के अनुसार सॉल्ट मिलाए और शक्कर मिलाए। आपको जितना गाढ़ा रखना हो उतना रख सकते हैं और अगर पतला चाहिए तो पानी मिला सकते हैं, लेकिन मैं इतना ही रखूंगी। फिर इसे अच्छे से उबाल आने दे ताकि कलर भी आ जाए ना। इसमें हम चिंग्स का एक टोमेटो इंस्टेंट सूप का 10 रुपए वाला पैकेट आता है वो एक ऐड करेंगे, उससे थोड़ा टेस्ट ज्यादा अच्छा आता है और उसमें जो क्रंच आते हैं वो बच्चों को अच्छे लगते हैं। अब इसे 2-3 उबाल आने तक उबलने देंगे। उबाल आने के बाद इसका कलर देखिए बहुत अच्छा आ गया है। अब इसे हम एक बाउल में निकालेंगे। आपको इसमें जरूरत के अनुसार नमक और शक्कर डाल सकते हैं टेस्ट करके, और अभी विंटर सीजन है इसलिए बहुत सबको पसंद आता है। अब इस पे तुलसी के पत्तों से गार्निश करेंगे। रेडी है रेस्टोरेंट स्टाइल टोमेटो सूप।